लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध करना नहीं चाहा। यह सब सुकाफा की दूरदर्शिता, समाजवादी और एकता की समझ के कारण हुआ था। पहले आप अपने आप को सही कर लीजिए, दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। वो कहते हैं ना, नजर को बदलिए, नजारा अपने आप बदल जाएगा। कहा जाता है कि अहोम डायनेस्टी के संस्थापक साउलुंग सुकाफा के आने के बाद असम में भूगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए। सुकाफा की बुद्धि, दूरदर्शिता ने असम को बोर असम यानी ग्रेटेस्ट असम बनाया। इन्हीं के कारण मोड़ान, मतक, बोड़ाही, कसारी जैसे बहुत सारे जनजातियां एक साथ मिलजुल कर रह पाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अहोम डायनेस्टी के संस्थापक, अहोमों के पहले राजा साउलुंग सुकाफा के बारे में, उनका क्या योगदान था असम के लिए और साथ ही साथ हमें उनसे क्या सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में उन सब बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सुकाफा अहोम डायनेस्टी के पहले किंग थे। अहोम डायनेस्टी को जानने के लिए पहले हमें यूनान प्रोविनेंस को जानना होगा, जो कि अभी यूनान चाइना के साउथ ईस्ट में स्थित है। तब के यूनान में हुईझो, सिजवान, गोंगसी और तिब्बत के साथ साथ वियतनाम, लाओस और बर्मा जैसे जगह शामिल थे। अहोम जनजाति यूनान के स्थानीय ताई जनजाति के वंशज है, इसी के कारण अहोम खुद को अहोम नहीं ताई मानते थे। सुकाफा यूनान के मोंग माओ के एक क्राउन प्रिंस थे, लेकिन 1215 सीई में वो मोंग माओ छोड़कर नए राज्य ढूंढने आरंभ कर दिए। मोंग माओ छोड़ते समय उनके साथ उनकी 3 पत्नियां, मंत्री, सेनापति और पंडित थे और साथ ही साथ 300 घोड़े और 2 हाथी और 9000 सेना लेकर आए थे। वो 13 साल अलग अलग राज्यों के राजाओं के साथ मित्रता किए और बहुत से जगहों पर नागाओं के साथ युद्ध करके 1228 सीई को सोमारपीठ पहुंचे थे। बता दे आपको कि पहले का असम 4 पीठ यानी 4 डिवीजन में विभाजित था, रत्नपीठ, कामपीठ, स्वर्णपीठ और सोमारपीठ। तब के सोमारपीठ में मोड़ान और बड़ाही राजाओं का शासन था। सोमारपीठ में सबसे पहले सुकाफा मुलुक पहुंचे और वहां पहुंचकर वो असम का नाम मुंग दुन सुन खाम दिए। इसका मतलब है कि सोने के बगीचों से भरा देश। उनका सबसे पहला राजधानी अभयपुर बना, लेकिन बाढ़ के कारण उन्हें यह जगह छोड़कर हाबुंग यानी अभी का धेमाजी जाना पड़ा, पर वहां भी उनको वही समस्या का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने सिमलगुड़ी में अपना एक टेम्पोररी राजधानी बनाया। सन 1253 में सुकाफा ने सेराय दोई में अपना पहला परमानेंट राजधानी बनाया, जो कि अभी चराइदो के नाम से जाना जाता है। यह शिवसागर के सामने पड़ता है। पहले असम में छोटे बड़े लगभग 25 राज्य थे और सारे राज्य अहोम साम्राज्य के शासन में थे। अहोम ने इन सारे राज्य को एक साथ करके असम को एक बेहतर राज्य बनाया था ताकि प्रजा वहां अच्छे से रह पाए। यह सब सुकाफा की दूरदर्शिता, समाजवादी और एकता की समझ के कारण हुआ था। सोमारपीठ में पांव रखते ही उनका बोड़ाही और मोटक राजाओं के साथ दुश्मनी शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध करना नहीं चाहा, बल्कि उन्हीं राजा के बेटियों के साथ शादी करके और अपने लोगों को उनके लड़कियों से शादी करवा के समधी बन गए थे। उन्होंने युद्ध न करते हुए बंधुत्व को सबसे आगे रखा। उनका राजनीतिक दिमाग और साहस को देखकर असम के स्थानीय लोग ताई लोगों को अहम कहते थे, जिसका मतलब है कि जिनको कोई हरा नहीं सकता, और यही अहम बाद में अहोम बना। दूसरी योगदान यह है कि सुकाफा कभी भी किसी भी जनजाति का अपमान नहीं किया करते थे, बल्कि उन्होंने दूसरे जनजाति के साथ मिलकर रहने के लिए हिंदू धर्म और असामीज लैंग्वेज को माना था। वे अपने कोर्तल्या राजा यानी नीचे के राजा को भी सम्मान किया करते थे। उन्होंने कभी भी युद्ध को तवज्जो नहीं दिया था, सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि सभी राज्य और वहां की जनता खुश रहे, और इसी कारण ही शायद उनके बाद के अहोम राजाओं ने इतना बड़ा साम्राज्य को बनाया और यहां 600 सालों तक शासन किया। तीसरा योगदान यह है कि जब स्वर्गदेव सुकाफा
मूंग माओ से आ रहे थे, तब उन्होंने अपने साथ आने वाले लोगों को हर एक घटना को लिखने का आदेश दिया और वो राइटिंग्स को ही बुरंजी कहा जाता है, जिसका अर्थ है न जानने वाले बातों का भंडार। आज इन्हीं बुरंजी के कारण ही हम अहोमों के बारे में इतना कुछ जान पा रहे हैं। सावलुंग सुकाफा से हमें यह सीखना चाहिए कि युद्ध ही हर समस्या का समाधान नहीं होता, भाईचारा और एकता से भी हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। आज के दौर में जहां हर तरफ हिंसा और मारकाट भरा हुआ है, वहां यदि हम सुकाफा से यह सीख ले कि हमें भाईचारे के साथ जीना है, तो हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सिर्फ खुशियां हो। अब आप सब बोलेंगे कि यह बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है और दूसरे लोग अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो किसने कहा है दूसरे लोगों को सही करना है? पहले आप अपने आप को सही कर लीजिए, दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। वो कहते हैं ना, नजर को बदलिए, नजारा अपने आप बदल जाएगा। आप शुरू तो कीजिए, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसे ही भाईचारे के साथ सुकाफा 40 साल 4 महीने और 15 दिन असम में शासन करने के बाद 1268 को सुकाफा की मृत्यु हो गई। आने वाले 2 दिसंबर को असम में सुकाफा दिवस और असम दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन असम का निर्माण हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।